शाहजहांपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा से एक अज्ञात महिला ने नवजात से चोरी कर लिया। चोरी के बाद बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। महिला द्वारा बच्चा चोरी की वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर नवजात शिशु व अज्ञात महिला की तलाश शुरू। कैसे हुआ? कमरे से अस्पताल में से हुआ थे। अच्छा। मम्मी के पास में लौटा रहा था। अच्छा। वो 1 बजे औरत आई, 1:11 पे कमरे में वो गई वहाँ गली में नहीं थी। हम यहीं लौटे थे, हमारी सास भी लौटी थी वहीं पर, मम्मी थी मेरी कहीं। 1:04:56 पर वो बाहर निकल के आई चोरी बच्चे को लेकर हिलाते हुए। काफ़ी देर वहाँ तक रटी गेट पे हिलाती रही। हम यहाँ गेट पे थे, लौटे थे, उधरी निगाह करे थे। जब उसने जब देखा होगा आँख इनकी लग गई, तब वो बाहर के निकल के आई। जब हम पुलिस को तहरीर दी, पहले मेरी माँ ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अभी पूछेंगे आकर वहाँ पर कौन था पूरा जो उनका कहना मतलब। रक्षा भी महिला कौन थी और कहाँ से आई थी, क्या पूरा मामला हुआ आपके पास? ये महिला का नाम संजू देवी है, पत्नी नेम चरण। ये मायका इसका महमूदापुर में है, महमूदापुर से ही ये डिलीवरी कराने आई थी। इसका ससुराल जो है वो सुल्तानपुर में है और इसकी डिलीवरी हमारे हॉस्पिटल में करीब 9:17 पर हुई। उसके बाद चच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे, उनको PNC वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब सुबह अटेंडेंट्स ने जो है शिकायत की कि बच्चा चोरी हो गया है, तो CCTV फुटेज देखने के बाद पता चला है कि कोई एक अज्ञात महिला जो करीब 1:42 पर PNC वार्ड में एंट्री थी पुलिस में, और जो बच्चा चोरी हुआ है उसके घर वालों के अनुसार उन्होंने बताया कि एक लेडीज थी जो उनके बच्चे को खिलाने के लिए मांग रही थी, उनके अनुसार उसने बच्चे को खिलाया। उसके बाद वो लोग सो गए, उनको नहीं पता जो है कि महिला बच्चे को किस टाइम लेके गई है, लेकिन CCTV के अकॉर्डिंग करीब 1:55 पर सुबह के टाइम वो लेडी जो है PNC वार्ड से निकली है और उसके हाथ में जो है, उसके बाद उसने अपने मुँह को कवर कर रखा था तो पहचानने में तो वो आ रही है और उसके हाथ में बच्चा भी था। तो इस घटना की फिर सुबह इन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो पुलिस बाकी जो है जानकारियाँ ले रही है और अस्पताल के CCTV के अकॉर्डिंग जो है उसकी पहचान करने की कोशिश की है।